हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज मैं आपके पास एक ऐसा वर्ड लेकर आई हूँ जो हम दिन में कना ना करते हुए दस बारह बार तो बोली लेते हैं चाहे हम वो मीन करते हो या ना करते हो एंड दैट वर्ड इज सॉरी और राइट हम कुछ हम किसी से भिड़ जाते हैं सॉरी या हमने कुछ हम लेट हो गए थोड़ा सा तो सॉरी या फिर हमसे कुछ गिर गया तो सॉरी हर चीज में जो है सॉरी 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 बोलते हैं राइट right? और ये सॉरी जो वर्ड है ना ये इतना कॉमन है पहली चीज दूसरी चीज आप हर टाइम जब सॉरी बोलते हो विदाउट एनी रीजन राइट तो वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिखाता है सो so, आज हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे हम सॉरी ना बोले लेकिन हम एक ऐसे तरीके से जो है एक अप्रिशिएटिव या फिर एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उसको ऐसे शो करें ताकि Uh, हम सामने जो भी है उनको ऐसा फील हो कि हाँ yes, ये कॉन्फिडेंस है एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है जब हम सॉरी बोलते हैं सो so, उसको ना यूज करके हम दूसरे तरीके ढूंढेंगे जिससे कि वी कैन अपॉलोजाइज या फिर हम ये बोल पाए कि हमसे छोटी सी गलती हुई है और हम अपना कॉन्फिडेंस ना गिराए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखे रहे सो right? so, पहला है जब हमसे गलती छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ठीक है जैसे कि कुछ गिर गया आपसे बहुत बड़ी गलती नहीं कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया लेकिन फिर भी सो सॉरी सो सॉरी करते हैं हम राइट उसकी जगह कुछ गिर गया तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं माई बैड आई एल क्लीन दिस माई बैड आई क्लीन दिस नहीं तो उप अलाउ मी टू गेट दैट उप्स अलाउ मी टू गेट दैट और राइट अ वेरी गुड वे ऑफ से मुझसे गलती हुई है मैं अभी जो है इसको साफ कर देती हूँ और खराब भी नहीं लगता सॉरी भी बोल दिया और कॉन्फिडेंस एक पर्सनैलिटी आपकी जो है रहती है यू बिल्ड मिस्टेक लेट मी फिक्स दिस बुक एट होम कुछ भूल गए घर पे है ना आप घर पे कुछ भूल गए जो आपको लेकर आना था तो आप बोल सकते हो हाउ थॉटलेस ऑफ मी से फार बेटर है ये और राइट right? अगला है माई अपॉलॉजीज अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो गॉड गलती तो हो ही गई अब आपको सॉरी बोलना ही है तो आप उसकी जगह माई अपॉलॉजीज बोल सकते हो और राइट नेक्स्ट ऑप्शन है Pardon my clumsiness. ये भी भी अगर आप 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 किसी से भिड़ गए या आपसे कुछ गिर गया तो आप उस condition में भी बोल सकते हो. हो right? हो. रहे हुँ. ठीक है आप लेट हो हो आप लेट हो 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 हो. हो हो गए या रहे रहे ये में है. तो आप कॉल करके क्या बोल सकते हो ट्रैफिक इज क्रेजी आई बी देयर इन बिट ट्रैफिक इज क्रेजी आई एल बी देयर इन ऑलराइट नेक्स्ट ऑप्शन थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी एक ऑप्टिमिस्टिक तरीका दे दिया उसको थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी आई कंप्लीटली ट्रैक ऑफ टाइम थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी आई कंप्लीटली ट्रैक ऑफ टाइम अगला आई ड्रॉप द बॉल ऑन दिस वन इट वोंट हैपन अगेन मेरे से गलती हो गई है मैं दोबारा से नहीं करूंगी वो बोलना है आपको तो आई एम सॉरी आई वोंट रिपीट दिस मिस्टेक एवर अगेन आई एम सॉरी आई वोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन की जगह आप बोल सकते हो आई ड्रॉप द बॉल ऑन दिस वन इट वोंट हैपन अगेन अगला है आई एम कमिटेड टू मेकिंग दिस राइट एंड डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क अब आपसे लेट हो गए आप ऑफिस में लेट हो गए या कोई मीटिंग के लिए लेट हो गए और अब आपको जो बोलना है अब आपको बोलना है कि मैं लेट हो गई हूँ लेकिन इसका आ, असर जो है मेरे काम पे बिल्कुल नहीं दिखेगा काम बिल्कुल सही मिलेगा उसके लिए यूज कर सकते हो और आई एम कमिटेड टू मेकिंग दिस राइट एंड डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क और नेक्स्ट

किसी से बात कर रहे हो या आप किसी के सामने कन्फ्रंट कर रहे हो कुछ कर रहे हो और आपको एक इमोशनल रिएक्शन देना है आप ये बोल सकते हो आई फील लकी टू हैव यू बाय माई साइड अगला है थैंक्स फॉर बींग देर फॉर मी थैंक्स फॉर बींग देर फॉर मी और नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड I won't be able to make it. अब आपको कोई इनविटेशन आया है या आपसे कोई कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है अब आप नहीं कर पा रहे हो वो काम

I value your friendship, but and I want to work through this. I value your friendship, and I want to work through this. Agla, I see your point, but I respectfully disagree. I, मैं आपका point समझती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही respectfully जो है ये चीज़ मना करूँगी. All right. Next is we are vibing differently on this one. हम दोनों का बहुत अलग-अलग thought process है इस वाले में, इस point पे, ठीक है? So we are vibing differently on this one. राइट सो तो all all right, so, अब क्या है <coughs> आ, ऐसे जो है कई सारे और तरीके होते हैं जो आप यूज कर सकते हो और राइट ये तो कुछ ही है एक वीडियो है बहुत सारे मैं आपको तरीके नहीं बता सकती हूँ सो so, आप क्या कर सकते हो यू कैन गो ऑन वो कैप ट्वेंटी फोर वहाँ क्या है? आपको रीडिंग right? बेटर करना है आपको बेटर करना, आपको बेटर करना, आप इंप्रूव कर सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कैबलरी में बच्चों को वो कैबलरी कहा से करें कुछ गिने चुने मतलब दिए होते दिए होते एक आर्टिकल में से और वही जो है आप सीख पाते हो अब वो अब ये जो है ये मेरा फेवरेट फीचर है या ये मेरा फेवरेट चीज है इस इस के बारे में वो ये है, इस आर्टिकल में, जैसे ये, एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल में आपके फर्स्ट वर्ड से लेके आपके लास्ट वर्ड तक हर वर्ड का आप मतलब देख सकते हो कैसे आप एक बार टैप करोगे जैसे कि मैंने टैप किया सेट पे एस ए आई डी सबको पता है क्या होता है सेट राइट right? अब मैंने सेट पे टैप किया और एरो क्लिक किया तो मुझे पूरा मतलब पता चल गया ऑलराइट राइट right? उसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करना है उसका मतलब क्या है और ये आई पे क्लिक करने पे मुझे उसके सारे यूजेस सब मिल जाते हैं ऑलराइट राइट right? इसके अलावा जो है ना इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसे अलग से वर्ड्स हटके वर्ब्स वर्ड्स होते हैं जैसे सेट तो बहुत कॉमन है बहुत कॉमन है ये वर्ड ठीक है लेकिन कुछ हटके वर्ड्स होते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो हमें याद नहीं होते कभी भी और हम क्या है रटने में बैठ जाते हैं तो ये एप्लीकेशन में आपके पास ऐसे ट्रिक्स है जो आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो बहुत ईजी था सो so, वो ऐसे ट्रिक्स भी जो है दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यू मेरी मानो तो एक बार प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो और राइट डाउनलोड इट वंस आपको मिलेगा वो क्या ट्वेंटी फोर नेम से आपको मिलेगा इंस्टॉल करो और एक बार यूज करके देखो राइट जस्ट यूज इट वंस एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर यूर सो थैंक यू सो मच